खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जीत पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर की दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं, जिसका टेस्ट कल हुआ था। तो आइए देखते हैं हम लोग जो है प्रमुख व्यक्तित्व संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आप सबके एग्जाम में अक्सर पूछे जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को हल करने से पहले और कल का जो है रिजल्ट मैं दिखाना चाहूँगा। इन लोगों ने कम समय में 30 में 30 मार्क याद रखिएगा प्राप्त किया था। आप सब भी कोशिश करिए कि जो है आपका मार्क्स आए, और ऐसे प्रतिदिन जो है टेस्ट से धीरे धीरे आपकी जानकारी बढ़ती रहेगी। याद रखिएगा, कभी भी परीक्षा में तैयारी करते समय किसी को लगना नहीं चाहिए, जिसको लगता है उसी को झटका भी लगता है। मेरे कहने का मतलब, आप जितना भी पढ़ रहे हो समझ लीजिए उतनी आपकी पढ़ाई कम है, और भी पढ़ते रहिए, क्योंकि कंपटीशन कितना है आपको एग्जामिनेशन हाल में मालूम चलेगा। और याद रखिएगा, इस बार अगर आपने परीक्षा मिस किया तो फिर कितने साल बाद ऐसी परीक्षा आपको मिलेगी, इसकी कोई जो है गिनती नहीं है। तो तैयारी में लगे रहिए, बिल्कुल टेस्ट देते रहिए। रात 9 बजे टेस्ट पर डे होता है, 9 से 9:15 के बीच ही पोर्टल खुलेगा, उसके बाद दूसरे दिन खुलता है। याद रखिएगा, टेस्ट देंगे भले रैंक 9 आए, कुछ तो कुछ जानकारी बढ़ेगी। और एकदम बिल्कुल ईमानदारी रखिएगा अपने सामने, चीटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे टेस्ट में, चीटिंग करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन है। इसमें से चार ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे, बीडी मिश्रा, गिरीशचंद मुर्मू, राधा कृष्ण माथुर, मनोज सिन्हा। ये प्रश्न का क्या आंसर आपने लगाया, राधा कृष्ण माथुर। याद रखिएगा, इसमें चार प्रश्न बनेंगे। किन सा लद्दाख की बात आगी तो लद्दाख की अगर पूछ देगा, प्रथम प्रथम पूछेगा, प्रथम तो खैर पूछा ही है, तो प्रथम ये आपने लगा दिया। लद्दाख का यदि वर्तमान पूछे कि वर्तमान में कौन है उपराज्यपाल, तो आप क्या लगाएंगे, बी डी मिश्रा लगाइएगा। अगर जम्मू कश्मीर का पूछ दे कि जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, तो याद रखिएगा गिरीशचंद मुर्मू थे, और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है तो मनोज सिन्हा है। याद रखिएगा, एक प्रश्न है, चार क्वेश्चन आपको तैयार हो गया। और आइए देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस लेख का संबंध दलाई लामा से है। याद रखिएगा, आ सकता है दलाई लामा, चार ऑप्शन दिया है, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन, दूसरा फ्रीडम इन एग्जाइल, तीसरा द पावर ऑफ वन थॉट, और चौथा है सियासत और कम्युनिज्म। आंसर क्या होगा इसका, आंसर हो जाएगा दूसरा, फ्रीडम इन एग्जाइल। याद रखिएगा, और बाकी चारों पुस्तक महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन याद रखिएगा, रूपा पाई का ये पुस्तक है, रूपा पाई का पुस्तक है, ठीक है। द पावर ऑफ थॉट ये किसका है, बी के शिवानी का पुस्तक है, याद रखिएगा, बी के शिवानी का पुस्तक है। और सियासत इसका पूरा नाम है, गांधी सियासत और कम्युनिज्म, याद रखिएगा, ये पीयूष जी का पुस्तक है, पीयूष बाघेल का ये पुस्तक है, ठीक है। याद रखिए, पीयूष बाघेल, बाघेल बोलते हैं, बाघेल ये उनका पुस्तक है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, रमेश बाबू प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है, निशानेबाजी, कुश्ती, फुटबॉल, शतरंज। आंसर क्या होगा इसमें, शतरंज। याद रखिएगा, इनका संबंध किससे है, शतरंज से है। चौथा प्रश्न क्या है, भारत वर्तमान में भारत रत्न पुरस्कार 2024 किसे दिया गया। इस चार ऑप्शन के अनुसार क्या आंसर होगा आप बताएंगे, कर्पूरी ठाकुर, चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर, वैजयंती माला बाली, एम के वेंकैया नायडू। याद रखिएगा, तो भारत रत्न पुरस्कार जो है वैसे कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया था। इनके विषय में क्या आ सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा, एक तो इनका जन्म समस्तीपुर बिहार में हुआ था, इनको एक उपाधि मिली थी जन नायक की, याद रखिएगा। ये बिहार के दो बार मुख्यमंत्री रहे, ये बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे। दूसरी बात, बिहार में इन्होंने दूसरी राजभाषा उर्दू को इन्होंने लाया। और यही पूछ सकता है, भारत रत्न 24 में तो मिला था श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी मिला था, याद रखिएगा। आडवाणी जी के प्रश्न, उनके विषय में प्रश्न क्या आ सकता है कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसका है, श्री लाल कृष्ण आडवाणी का है। और श्री लाल कृष्ण आडवाणी भारत के उप प्रधानमंत्री रहे, किस क्रम के हैं तो सातवें क्रम के, याद रखिएगा, भारत के सातवें उप प्रधानमंत्री थे। और प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये आप याद रखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न नोट कर लीजिएगा, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को किस क्रम का जो है उन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था, तो 50वें क्रम का उनको ये भारत रत्न पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। और वो जो है 98 से जो है जो गृह मंत्री भी रहे थे, 9 में चुनाव में
वो जो है प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी रहते हैं, सब प्रश्न नहीं आएगा, याद रखिएगा। 50वें क्रम का उनको मिला था, सातवें उप प्रधानमंत्री हैं, ये आप याद रखेंगे, याद रखिएगा। माई कंट्री माई लाइफ उनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। तो इसमें आंसर आप क्या लगाया आपने, कर्पूरी ठाकुर लगाया, ठीक है। बाकी वैजयंती माला, वेंकैया नायडू और के चंद्रशेखर, याद रखिएगा, बिंदेश्वरी पाठक, और उसके बाद जो है ए सुब्रमण्यम, इन पांच लोग को तो पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। पद्म विभूषण भी याद रखिएगा, कुल इस बार 24 में टोटल 132 लोग को पद्म पुरस्कार दिया गया था। 132 पद्म पुरस्कार में आप नाम रट जाइएगा, कम से कम पांच पद्म विभूषण जिनको मिला था वो नाम रट जाइएगा। 17 पद्म विभूषण जिन्हें किस क्षेत्र से संबंधित है वो आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और बाकी 110 के विषय में भी एक राउंड एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी जैसे क्वेश्चन आएगा हम बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्पूरी ठाकुर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आते हैं आगे, वही प्रश्न 2024 में पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता बिंदेश्वर पाठक को किस क्षेत्र में दिया गया, कला के क्षेत्र में, सार्वजनिक मामले में, सामाजिक कार्य क्षेत्र में, वृक्षारोपण के क्षेत्र में। अब इस प्रश्न को हल करने में आपको कन्फ्यूजन आएगा, ये भी सार्वजनिक मामले में कि सामाजिक मामले में, ये यहाँ कन्फ्यूजन होगा। तो याद रखिएगा सामाजिक मामले में दिया गया था, हाल में इनका निधन हो गया, तो इसलिए जब इनका निधन हो चुका है तो जल्द इनके विषय में जरूर प्रश्न आएगा। और ये भारत में सुलभ शौचालय के, याद रखिएगा, सुलभ शौचालय के जो है भारत में जो है ये जनक है, इन्होंने खोज किया था। बिंदेश्वरी पाठक जी को भी पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था, साथ में इनके पद्म विभूषण वैजयंती माला जी को मिला था। उसके बाद आप अभी हमने चर्चा किया कि चिरंजीवी को मिला था, याद रखिएगा, वेंकैया नायडू जी को मिला था, उसके बाद जो है ए सुब्रमण्यम को मिला था। ये पांच लोग का नाम आप बिल्कुल रटे रहिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग, और ये टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, याद रखिएगा। टेस्ट अभ्यास करने से पूर्णता आती है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशल ये तैयार किया गया है, और इसकी वैलिडिटी UPSC 51 का जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक रहेगी। इस टेस्ट पेपर में क्या है एक मिनट में मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें सिलेबस वाइज आपको हर चैप्टर का पहले EPDF मिलेगा, उसी EPDF पे वीडियो मिलेगा, फिर उसी पे आपको एक टेस्ट मिलेगा। यानी एक ही चीज को जब तीन बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर भी इसके बाद आपको एक फाइनल टेस्ट मिलेगा, तब जाके मेरे हिसाब से आपको GS के पेपर में पूर्णता आएगी। इस टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, EPDF नोट्स मिलेगा हिंदी इंग्लिश में। 2014 से लेकर अब तक के साल भर पेपर मिलेंगे, वीडियो भी क्लासेस होंगे इसमें, याद रखिएगा। इसमें रेगुलर प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक अपडेट होकर आपको मिलता रहेगा, दोबारा कोई चार्ज नहीं लेना है, एक ही बार जो खरीदने में पैसा लगे। उसके बाद ऑर्गेनाइज क्लास बिल्कुल सिक्वेंस में सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज सभी क्लासेज आपको मिलेंगे। यूट्यूब पर सभी क्लासेज आपको नहीं मिलेंगे, कुछ क्लासेज बाद में अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं। टेस्ट पेपर के रूप में सैकड़ों की संख्या में मॉडल पेपर, सिलेबस वाइज टेस्ट और यूनिट वाइज टेस्ट आपको मिलेगा। इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। याद रखिएगा अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारे, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपकी जीत दिलाए। अभ्यास करने से पूर्णता आता है, याद रखिएगा, वास्तविकता निर्माण की अवस्था होती है, इसलिए अभ्यास जितना करेंगे आपकी जानकारी में उतना निखार आएगा। ये चार पुस्तक हमारी टीम द्वारा निकाला गया है, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। चारों अलग अलग पुस्तक है और चारों में 80 मॉडल पेपर है। ये पुस्तक सिर्फ आपको अमेजन के माध्यम से ही मिलेगा, इसमें डिलीवरी चार्ज फ्री है आपको, और ये पुस्तक फ्री है, मात्र 499 रुपये में आपके घर तक ये पहुंच जाएगा। पुस्तक यदि मैं दिखाना चाहूं तो ये पुस्तक है, और मेरे हिसाब से एग्जाम देने से पहले आपको जो है एग्जाम देने से पहले ये आप चारों बुक में जो है आपको जो है पढ़ के इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ के जरूर जाना चाहिए, ठीक है। और साथ में आप देखेंगे कि ये मार्कशीट भी है, इसको भरेंगे तो और आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी जो लोग हमारे टीम से जुड़ना चाहते हैं, सभी वीडियो की लिंक इस पर भेज दी जाती है, व्हाट्सएप ग्रुप है जुड़ सकते हैं, या नंबर है इससे भी जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप है इस पर भी आप जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन, छठवां देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, गुलजार को, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को, और उपरोक्त दोनों को, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, याद रखेंगे। सब हिंदी में ये चिदंबरा पुस्तक को मिला था, याद रखिएगा। 24 में किसे दिया गया इसमें देखा जाए तो 24 में इनको भी मिला, गुलजार जी को और रामभद्राचार्य जी को मिला। आंसर क्या होगा, तीसरा आंसर इसमें से सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, और न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। आंसर होगा चौथा, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष ये बनाए गए हैं। अंद्रे उजले, याद रखिएगा, अंद्रे उजले का संबंध किस संगठन से आ सकता है आपकी परीक्षा में, यूनेस्को से, विश्व बैंक से, संयुक्त राष्ट्र संघ से, यूनिसेफ से। आंसर हो जाएगा यूनेस्को से इनका संबंध है, याद रखिएगा। यूनेस्को की स्थापना कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई थी, आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अभी यूनेस्को ने हाल में भारत के
कितने स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आप देखते हैं 24 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे कौन थे, अब्दुल फतेह अल सीसी, इमैनुअल मैक्रो, जायर बोल्सोनारो, कोई मुख्य अतिथि नहीं आए थे। 24 में पूछा जा रहा है गणतंत्र दिवस पे तो कौन थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, याद रखिएगा। चलिए एक प्रश्न बताइए कमेंट बॉक्स में, आप भी कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया करिए और मैं आप लोग सबका कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। 2025 में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा वो किस क्रम का मनाया जाएगा ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाल्कन 9 रॉकेट बनाने वाली स्पेस एक्स का संबंध किससे है, याद रखिएगा। सबसे भारी रॉकेट फाल्कन 9 का नाम याद रखिएगा और स्पेस एक्स का संबंध किससे है, जेफ बेसोस, बिल गेट्स, एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, किससे संबंध है, तो एलन मस्क से याद रखिएगा संबंध है और स्पेस एक्स इन्हीं की कंपनी है। और ये भी याद रखिएगा बंदर के जो है चिप लगा दिए थे ब्रेन में उसके, और ये तो अमेजन के हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट के, याद रखिएगा। ये अमेरिका के वर्तमान में जो है पूर्व राष्ट्रपति भी थे, वर्तमान में भी ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। नेक्स्ट आते हैं वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, मालूम होगा सबको, दिनेश गुरुवर्धने, मुस्तफा बदबौली, लुटाया शेरिंग और शेख हसीना वाजिद, आंसर हो जाएगा चौथा शेख हसीना वाजिद। नेक्स्ट में देखेंगे ए रामचंद्रन का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था, ठीक है। चार ऑप्शन आप देखेंगे, पहला नेता, दूसरा चित्रकार, तीसरा लेखक, चौथा खिलाड़ी, आंसर हो जाएगा एम रामचंद्र का जो है चित्रकार से इनका संबंध, प्रिंटर से इनका संबंध था। भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में किस क्रम की राष्ट्रपति हैं, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। 15वीं क्रम की, 16वीं क्रम की, 17वीं क्रम की, 18वीं क्रम की, आंसर हो जाएगा पहला 15वीं क्रम की, याद रखिएगा ये राष्ट्रपति हैं। अब आपको बताना है कि वर्तमान में अभी चुनाव हुआ है, किस क्रम का लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चल रहा है और किस क्रम के लोकसभा अध्यक्ष हैं और किस क्रम के प्रधानमंत्री हैं, ये दोनों बताएं आपको, ठीक है। 15वें क्रम के आप जान गए राष्ट्रपति। नेक्स्ट आइए आप गुजरात राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थी, आनंदीबेन पटेल, सुजेता किपलानी, सरोजनी नायडू, वसुंधरा राजे, क्या आंसर होगा, तो वर्तमान में जो वो उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल हैं वही हैं आनंदीबेन पटेल, याद रखिएगा कि गुजरात की शिक्षा मंत्री भी थी और वहाँ की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी, पहला आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान में न्यायाधीश हैं, चार ऑप्शन कैथरीन रसेल, टेडोस एडनोस, नवाब सलाम, ये भी चेंज हाल में ही चेंज हुए इसलिए आ सकता है, आंसर क्या होगा, तीसरा नागोजी ओंकोजी ओवला, आंसर हो जाएगा तीसरा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, हेंग में, वहाँ 15 जो है याद रखिएगा न्यायाधीश होते हैं। भारत रत्न वर्तमान में जो है 9 वर्ष के लिए चुने गए हैं 2017 से श्री दलवील भंडारी जी, ये भी आप याद रखेंगे। और जब देशों का झगड़ा होता है तो उसका निपटारा कहाँ होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ही होता है। वर्तमान में नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, चार ऑप्शन आदर्श गोयल, के कस्तूरी रंगन, दौलत सिंह कोठारी, इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा दूसरा के कस्तूरी रंगन, आप याद रखिएगा जो है। नेक्स्ट है हिंदू पॉलिटी के लेखक कौन है, अरविंद घोष, चंद्रशेखर, बाल गंगाधर तिलक, काशी प्रसाद जायसवाल, तो आंसर क्या होगा इसमें से, हिंदू पॉलिटी के लेखक काशी प्रसाद जायसवाल, चौथा आंसर इसका सही है। नेक्स्ट आएंगे हाल में है 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया, चार ऑप्शन वहीदा रहमान, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, रजनीकांत, याद रखिएगा फिल्म जगत का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, विश्व का सबसे बड़ा फिल्म जगत का पुरस्कार जो है याद रखिएगा ऑस्कर अवार्ड है। तो ये पूछा जा रहा है 53 क्रम का, ये पीछे चल रहा है वर्ष नहीं पूछा गया है, 53वां क्रम का, तो वहीदा रहमान जी को ये दिया गया। नेक्स्ट आएंगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये पुस्तक है, ये लेखक है, रास्तरंगी के लेखक, क्या कल्लड़ है, सही है कि गलत आप बताइए, पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा के, सही है कि गलत, गीत गोविंद जयदेव का है, सही है कि गलत, गीता रस भरत मुनि का है, सही है कि गलत, यही गलत है आपका, गीता रस किसका है, लोकमान बाल गंगाधर तिलक का है, ठीक है, ये किसका है, तिलक जी का है। और भरत मुनि ने कौन सा पुस्तक लिखा था, नाट्यशास्त्र लिखा था, ठीक है, इनका क्या है, नाट्यशास्त्र है। नेक्स्ट है 24 में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया, नहीं दिया गया पूछा जा रहा है, तो के चिरंजीवी भी हमने चर्चा किया था, बिंदेश्वर पाठक बताए थे, अश्विन बालचंद मेहता बताए थे, वैजयंती माला आपको बताए थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, अश्विन बालचंद मेहता, इनको जो है यह पुरस्कार नहीं दिया गया था, सी आंसर इसमें से सही होगा। और क्या इसमें जोड़ सकते हैं, और जो है या जो है एम वेंकैया नायडू जोड़ लीजिएगा, एम वेंकैया नायडू, ठीक है, और क्या जोड़ सकते हैं, ए सूर्यवर्धन जोड़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा 5।
नेक्स्ट आएंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला कुलपति जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली की बनी है? प्रथम कौन है? प्रोफेसर फातिमा शेख, प्रोफेसर नजमा अख्तर, प्रोफेसर सकीना अंसारी, प्रोफेसर नाजिरा खान। आंसर हो जाएगा प्रोफेसर नजमा अख्तर, ये बनी है, नाम याद रखिएगा। आ सकता है किशन महाराज से संबंधित वाद्य यंत्र निम्न में से कौन से हैं? पहला तबला वादक, दूसरा संतूर वादक, तीसरा सहनाई वादक, चौथा बांसुरी वादक। आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? पहला तबला वादक, याद रखिएगा। इनका संबंध किससे है? किशन महाराज से है। नया भारत का सामवेद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। निम्नलिखित में से किसकी रचना है? चार ऑप्शन, रघुराम राजन, अमृत माथुर, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और हरदीप सिंह पुरी। क्या आंसर होगा इसमें से? आंसर हो जाएगा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ये रचना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से शांतनु गुप्ता की पुस्तक का नाम क्या है? चार ऑप्शन आप देख रहे होंगे, तुम पहले क्यों नहीं आए, दूसरा अम्बेडकर ए लाइफ, तीसरा हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड और अजट योगी आदित्यनाथ। याद रखिएगा शांतनु गुप्ता जी को, इनकी पुस्तक का नाम है अजट योगी आदित्यनाथ। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? याद रखेंगे, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री रहते हैं। चार ऑप्शन बताइए कौन सा होगा, वीवीआर सुब्रमण्यम, अमिताभ कांत, सुमन कुमार बेरी, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा पहला वीवीआर सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट देखिएगा, अर्जुन पुरस्कार विजेता ऋतु नेगी का संबंध किस खेल से है? चार ऑप्शन, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, निशानेबाज। क्या आंसर होगा इसमें से? आंसर होगा दूसरा, इनका संबंध किससे है? कबड्डी से है। नेक्स्ट आते हैं, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 23 में किसे दिया गया? चार ऑप्शन, क्लाउडिया गोल्डिन को, जान ओलाव फ्रांस को, एलेक्सी एकिमो को और डू विस्मैन को। आंसर हो जाएगा पहला, क्लाउडिया गोल्डिन को यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, एक जिला एक उत्पाद योजना जो है कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरमनप्रीत कौर है, कैटरीना कैफ है, कंगना रनौत है और निखत जरीन है। क्या आंसर होगा इसमें से? तो याद रखिएगा, एक जिला एक उत्पाद के कौन है, तो वर्तमान साधन चुनी गई हैं कंगना रनौत जी, वो है, ठीक है, तीसरा आंसर। नेक्स्ट है, हाल में भारतीय राजनीति के राजनेता प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, इनका संबंध किस दल से था? ठीक है, ये भी आ सकता है, चूंकि ये चैप्टर ही प्रमुख व्यक्ति से संबंधित है इसलिए प्रश्न ऐसे सब दिए गए हैं। इसमें से पहला है लोकतांत्रिक जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा इसमें से? आंसर हो जाएगा प्रकाश सिंह बादल का संबंध किससे है? शिरोमणि अकाली दल से है, ठीक है। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किस भारतीय को दिया गया? वीडियो आपको अच्छा लगता हो जरूर लाइक करिएगा, जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिएगा ताकि उनको ऐसे वीडियो मिलता रहे, ठीक है। अब इसमें देख बताना आपको, प्रथम खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया, इनके विषय में प्रश्न आ सकता है। डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन, प्रोफेसर रामदेव मिश्र और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। आंसर क्या होगा इसमें से? इन्हें पंछी मैन के नाम से जाना जाता है। आंसर होगा चौथा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दिया गया प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार, याद रखिएगा। प्रोफेसर रामदेव मिश्र कौन है? भारत में जो है इकोलॉजी के जनक है और ये बर्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें चार बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक